इंटेलिजेंस की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीनें आपने अपनी रियल लाइफ में देखी हुई है जो मशीनें रियलिटी में वो सारी चीजें चेक करके सही गलत बता देती है जैसे आप बता देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझाया जाता है कि नोट सही है कि गलत, ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं आरबीआई के द्वारा, आप उसको देख के बताते हो कि नोट सही है कि गलत। ये काम एटीएम भी तो करते हैं, आप एटीएम में डिपॉजिट मशीन में गलत नोट डालते देखो वापस करेगा उसको, अगर नोट गलत है लेगा ही नहीं, आप चाहे कितने अगर सब मार्क उसको दो वो लेगा ही नहीं। तो ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब हमारे तरफ को भी हमने इंटेलिजेंस दे दी है, जैसे हम लोग पहचान पाते हैं मशीन भी क्या करेगा नोट को पहचान पाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देने का मेन मोटिव हमारा क्या था कि हमारे सारे इंटेलिजेंस किसको दे देगा, मशीन को दे देगा जो हम लोग ने दे दिया, ठीक है। तो अब ये तीन टेक्नोलॉजी जो आपके सामने आए, इन तीनों टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें कोई कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए भाई, क्योंकि ये तीनों सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मशीन लर्निंग इज नॉट ए प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल है, डीप लर्निंग थ्योरेटिकल है, एआई थ्योरेटिकल है, इनका प्रैक्टिकल पॉइंट जो है वो है पाइथन। पाइथन के द्वारा एआई को लॉन्च किया गया, पाइथन ने ही मशीन लर्निंग को लॉन्च किया, पाइथन ने किसको लॉन्च किया, डीप लर्निंग को लॉन्च किया, और वो भी सिंपलर कोर्स के द्वारा, शॉर्ट कोर्स के द्वारा। ये तीनों काम क्या किए गए, किए गए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आप डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग वाले जो मशीनें हैं ये क्योंकि आपके साथ जॉब में उतरेंगे तो आप इनके साथ काम करने के लिए रेडी हो क्या। बात तो सबसे बड़ी यही है ना भाई, आपकी जॉब लगेगी तो उस जॉब वहां पे आपके पास डीप लर्निंग की मशीन रहेगी जो आपको लर्न कर रहे हैं, आपको मशीन लर्निंग मिलेगा जो आपसे काम सीख रहे हैं। तो आपको स्किल क्यों डेवलप करना, आपके बॉडी में एक्टिविटी क्यों आपकी अच्छी दिखाने की हम लोग बात करते हैं, आपकी बॉडी में जो उदासी जो शाही रहती है ये क्यों हटाने की बात होती है, आपके शरीर में एनर्जी दिखाने की क्यों बात होती है, क्योंकि मशीन आपको पड़ेगा, मशीन लर्न करेगा, अगर आप सुस्त हो तो मशीन भी सुस्त हो जाएगा, ठीक है। और डीप लर्निंग में तो रिपोर्ट तैयार हो रहा भैया आपके, आप क्या कर रहे हो उसके पूरे रिपोर्ट मशीन तैयार करके बॉस को भेज देता शाम को पूरे आउटपुट की, आपने 8 घंटे की ड्यूटी में कब आप सोए, कब आपने फोन में बात की, कब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तक बात ध्यान रखिएगा डीप लर्निंग में क्या हो रही टेस्टिंग हो रही है। तो आजकल आप जिस कैबिन में बैठोगे ना आने वाले समय में, उस कैबिन में ऐसे कैमरे लगे रहेंगे जो ये तक देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है।